नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और क्लीन के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट सीरीज आप तक डीआरई क्षेत्र की कहानियाँ पहुँचाने के लिए शुरू की है। तो आज इस एपिसोड में है हमारे साथ सिद्धार्थ मयूर जी H2E पावर सिस्टम से। नमस्ते सिद्धार्थ। नमस्कार अभिषेक। तो मैं सीधा हमारे पहले सवाल से शुरुआत करूंगा कि आपकी कंपनी H2E पावर सिस्टम्स क्या काम करती है? H2E पावर सिस्टम्स एक एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है। हम इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी एक पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का गैस डाल के बिजली और हीट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे हम लोग काम करते हैं। 60% इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और 90 से ज़्यादा% कंबाइंड हीट पावर एफिशिएंसी पे फ्यूल सेल ऑपरेट करता है। और इसको लेके आगे हमने सॉल्यूशंस बनाए हैं, जो जहाँ पे हम सोलर फ्यूल सेल और बैटरी को हाइब्रिड करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेटिंग यानी आप जहाँ है वहाँ पे आप बिजली बना सकते हैं, आप 24 घंटा, और आपको रिलायबल बिजली मिलेगी और ग्रिड के हिसाब से वाजिब दाम पे आपको बिजली मिलेगी। तो ये हम बेसिक हमारा ये काम है, और एनर्जी रिलेटेड सॉल्यूशंस में काम करना ये कंपनी का बेसिक मोटो है। और फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो एक रिवर्सेबल टेक्नोलॉजी है। हम गैस डाल के बिजली बना सकते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे पास में बिजली सस्ते दामों पे उपलब्ध है और रिन्यूएबल बिजली उपलब्ध है तो हम उसमें से गैस भी बना सकते हैं। तो हम एक ही सिस्टम पे बिजली भी बना सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी जो लोग बोलते हैं, तो इससे हाइड्रोजन भी बन सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। मतलब मेरे ख्याल में तो इंडिया में काफ़ी कम कंपनीज होगी, या फिर शायद आप अकेले होंगे जो हाइड्रोजन पे इतना काम कर रहे हैं या फ्यूल सेल इकोनॉमी पे इतना काम कर रहे हैं। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? 2009 साल में ये कंपनी की शुरुआत हुई। मेरे दिवाली का समय था और मैं एक छोटे गांव में रहता हूं, तो दिवाली में पूजा करके गांव में मेरी दादी रहती है, तो उनको मैंने फोन किया था दिवाली की बधाई देने। तो उन्होंने कहा कि दिवाली बहुत पूजा अच्छी हुई पर बिजली नहीं थी, बगैर बिजली की पूजा की। तो वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा बोलते हैं जीवन का, तो मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। उस रात दिवाली की रात थी, पर घर में खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि सो नहीं पाया कि अपने परिवार के लोग इतने मिजरी में रहते हैं, दिवाली के दिन भी बिजली नहीं थी और हम 5 AC चला के और बड़े मजे से रहते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई और मैंने तय किया कि हमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे हमें 24/7 24 घंटा क्लीन, ग्रीन, रिलायबल और अफोर्डेबल बिजली हम दे पाए हमारे रूरल लोगों को, हमारे फार्मर्स को। तो उससे ये कंपनी की मैंने शुरुआत की और फिर हमने ढूंढा कि कौन सी टेक्नोलॉजी ये मिशन स्टेटमेंट में फिट होती है। तो ढूंढते ढूंढते हम फ्यूल सेल तक पहुंचे। वहां से हमने फिर फ्यूल सेल में दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो जर्मनी में एक फ्रानोफर इंस्टीट्यूट करके बड़ी इंस्टीट्यूट है, तो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट करके टेक्नोलॉजी पूरी ले ली और ना सिर्फ भारत के लिए, ग्लोबल लेवल पे, जागतिक लेवल पे एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी हमने ली, उसको हमने फर्दर डेवलप किया और अभी हम ये स्टेज पे है कि हम इसको इंडस्ट्रियलाइज करने जा रहे हैं। हम पुणे में विश्व की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी लगा रहे हैं हम लोग, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी लगेगी। और हम यहाँ पे फ्यूल सेल बेसिक टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, और आपके ये प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके अब आप आपने कहा जैसे कि आप 2009 से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपके इतने सालों के तजुर्बे में आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी अपने कंपनी के काम के थ्रू, तो क्या आप उन सक्सेस स्टोरीज के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं?
जी जरूर, सक्सेस स्टोरीज कमर्शियल लेवल पे तो फिलहाल नहीं है, पर टेक्नोलॉजी लेवल पे सक्सेस स्टोरीज काफी मिली है। मुख्य करके भारत में सबसे पहला फ्यूल सेल सिस्टम बना पाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम जब साइंटिस्ट, भारत के जो साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं 25 साल से 30 साल से, उनसे बात करते हैं तो उन्हें अचंभा होता है कि आपने पूरा सिस्टम इंडिया में बना लिया और इसको कमर्शियली डिस्प्ले भी कर दिया। हमने फार्मर के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम बनाया एनर्जी एक्सेस को लेके, तो सोलर फ्यूल सेल बैटरी और बायोगैस का हाइब्रिड बना के हमने एक ट्रॉली बनाया है ऊर्जा रथ के नाम से, हम उसको प्रमोट करते हैं। और इसकी वजह से हम फार्मर को 24 घंटा 365 दिन बिजली दे पाते हैं ऑन डिमांड, जिससे उसका खेत एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में तब्दील हो सकता है। फार्म इनटू फैक्ट्री कंसेप्ट से हमने ये चीज की थी। इसका हमने करीबन 15 से 20 फार्मर्स के यहाँ पे इसका ट्रायल लिया है, इसको 6 महीना 8 महीना चलाया है और जो रिजल्ट्स हमको मिले हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छे मिले हैं। बिकॉज हमें ये पता नहीं था कि अगर फार्मर को 24 घंटा बिजली मिलती है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ये तो जानते हैं, पर एक फार्मर ने हमें बताया कि अगर ये सिस्टम 24 घंटा मेरे यहाँ पे लग जाती है तो हो सकता है मैं जीवन में कभी सुसाइड नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे बिजली मिलती है तो मैं तरक्की कर पाता हूँ। अगर तरक्की होती है, मेरे जेब में 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो मैं पागल होऊंगा जो सुसाइड करके ये जीवन जो भगवान ने दिया है वो छोड़ के जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से हम आगे जाके करोड़ों का धंधा करेंगे, बट वो जो मेरा इंसिडेंस हुआ फार्मर के साथ महाराष्ट्र में, आई थिंक वो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारे कंपनी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो किया ही है हमने, बैटरी भी डेवलप की है जो नमक पे बनती है बैटरी, सॉल्ट बैटरी बोलते हैं हम उसको। फ्यूल सेल भी हम जो बनाते हैं वो सैंड से बनाते हैं, मिट्टी से बनता है, तो कम्प्लीटली क्लीन, वेल टू व्हील क्लीन प्रोसेस है। इसको डिस्पोजल भी कोई इश्यूज नहीं है, जैसे लिथियम बैटरी को इश्यूज आते हैं डिस्पोजल के। तो हमें बहुत गर्व है कि हमने ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंडिया में लेके आए हैं और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर पाते हैं, जो आज जर्मनी में, जापान में, कोरिया में इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं, तो वो हम इंडिया में लेके आए। इंडिया नॉर्मली 10 साल पीछे बोला जाता है, तो टुडे हमें गर्व है कि हम टक्कर से खड़े हैं जर्मनी या जापान या कोरिया या यूनाइटेड स्टेट्स। जी बहुत बढ़िया कहानी थी ये। अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इस डीआरई के क्षेत्र से अब तक क्या सीखे हैं? हर रोज सीख रहे हैं, जितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, अलग अलग लोगों से बात होती है, आपकी संस्था है क्लीन, इनके साथ ही इंटरेक्शन में हमें पता तो जरूर था कि मिजरी बहुत है इंडिया में, पता जरूर था कि जरूरत बहुत है लोगों को, बट किस टाइप की जरूरत है। हमें प्रोडक्ट बनाना है, नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर होता है या तो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, वो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं और वो सोचते हैं कि कस्टमर ने वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। हमने ये डीआरई क्षेत्र से ये सीखा है कि हमें कस्टमर को अडॉप्ट करना चाहिए, कस्टमर की जो जरूरत है उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन बनाना चाहिए। जो कस्टमर है, जिसको दिन में 8 घंटा पावर कट होता है, या तो जिसको, जो फार्मर को बिजली जब चाहिए तभी नहीं मिलती है, या तो जिस बच्चे को जब पढ़ाई करनी है तभी इंटरनेट नहीं चलता है, तो उनको क्लीन, ग्रीन, येलो, ब्राउन बिजली से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्लाइमेट चेंज से भी लेना देना नहीं है। उनको जब बटन दबाया बिजली चाहिए, बिकॉज प्रोडक्टिविटी होती है उस वजह से उनका पढ़ाई, रोजगार सभी अफेक्ट होता है। तो ये चीज हमने सीखी है कि हमें उनके नजरिए से देख के हमारे टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन करने हैं, ना कि हम उनको सोचे कि वो अडॉप्ट करें हमारे टेक्नोलॉजी से। सो इट हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक। ये अंग्रेजी में टर्म्स लोग, मैनेजमेंट टर्म्स काफी यूज करते हैं, बट कोई इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये बेसिक चीज हमने हमारे सारे प्रोडक्ट्स में, इस वजह से हमें 1-2 साल डिले भी हो गया प्रोडक्ट लॉन्च में, पर हमने डेलिबरेटली कस्टमर को सोच के, कस्टमर के साथ रह के, कस्टमर का पूरा लाइफ साइकिल स्टडी करके फिर हमने प्रोडक्ट्स में चेंजेस किए हैं। तो ये एक बहुत फंडामेंटल चीज हमने पूरे डीआरई क्षेत्र से पिछले 8-9 साल में सीखी है। और मेरा अभी बस आखिरी आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप भविष्य में इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आते हुए देखते हैं?
आपके टेक्नोलॉजी के थ्रू भी और एज अ सेक्टर भी? ये परिवर्तन तो मेरे हिसाब से ये एक ही क्षेत्र है जहाँ पे परिवर्तन आना है, बिकॉज डीआरई क्षेत्र ने मेरे हिसाब से ये एक वाइडर कम्युनिटी है जो इकोसिस्टम है, पूरी एनर्जी इकोसिस्टम है, तो ना कि सिर्फ एनर्जी एक्सेस या तो बिजली, एनर्जी एज अ सब्जेक्ट। हम जो जीते हैं, हमारे जीवन के लिए ऊर्जा सबसे जरूरी है, ऊर्जा के बगैर जीवन नहीं हो सकता है, तो ऊर्जा नहीं है तो उन्नति नहीं हो सकती है। तो आगे चल के जो लोग हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैं आगे जो देख रहा हूँ फ्यूचर, हर इंसान एनर्जी एज अ सब्जेक्ट, उसके उसका इंपोर्ट जीरो होना चाहिए, और हो जाएगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है। आपके घर में आपके वेस्ट से आप गैस बना पाओगे, हाइड्रोजन बना पाओगे, उसी हाइड्रोजन से आप बिजली बना पाओगे, उसी हाइड्रोजन से आप गाड़ी चला पाओगे, आपकी गाड़ी ही आपका घर का पावर प्लांट बनेगी, रात को आपकी गाड़ी आपके घर को बिजली देगी, सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएंगी। तो हमें बिजली की या ऊर्जा के जरूरतों के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया इसकी बात कर रही है, 2040 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही है, ये तभी हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर बन जाए। मैं हमेशा कहता हूँ स्वदेशी ऊर्जा होगी तो ही स्वावलंबी भारत बनेगा, तो खुद की बिजली जब तक नहीं बनाते हैं तब तक सेल्फ रिलायंस आ ही नहीं सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स जो काम कर रहे हैं, दिस इज द फ्यूचर, ये भविष्य में ये होना तय है। आपने सेल्फ रिलायंस के बारे में और आत्मनिर्भरता के बारे में काफ़ी सही बात कही है। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका क्लीन टेक का अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है और आपको क्या-क्या फ़ायदे हुए हैं? अभी तक का सफर काफी रोमांचकारक रहा है, काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि चैलेंजिंग इसलिए भी रहा है कि हमने एक तय किया था कि हम बाहर से कोई पैसा लेंगे नहीं जब तक हमारा प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो जाता है। तो किसी और को मेरे आइडिया के ऊपर रिस्क लेना, ये मुझे वैयक्तिक तौर पे या तो एक प्रिंसिपल तौर पे गलत लगा था। तो पूरा घर घर बार बेच के यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑफ कोर्स अभी हमने एक इन्वेस्टमेंट लिया है कंपनी में टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, पर टेक्नोलॉजी प्रूव होने के बाद में तो काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी जगह रेजिस्टेंस देखा है कि इंडियन आदमी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे कैसे जा सकता है, एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, फ्यूल सेल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज में, या तो बैटरी टेक्नोलॉजीज में। 8,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल हुआ है जिसमें से 80% से ज्यादा पेटेंट भारतीयों ने लिखे हैं, पर ये पेटेंट भारतीय ओन्ड पेटेंट नहीं है, ये कोई सीमेंस या थाइसन ग्रुप या जी के ओन्ड पेटेंट्स है। तो एक बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा कि हमने 15 पेटेंट फाइल किए हैं, इंडियन ऑथर्ड एंड इंडियन ओन्ड, इन बेसिक केमिस्ट्री, इन बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन बेसिक मटेरियल साइंस। तो ये काफी हमारे लिए अच्छी सफलता रही है। कल ही न्यूज़पेपर में आया था कि 76% पेटेंट्स जो इंडिया में फाइल हुए हैं वो फॉरेन कंपनीज ने फाइल किए हैं। तो मैंने ट्वीट भी किया था कल कि हमें गर्व है कि हम वो 24% में है जिन्होंने भारतीय ओन्ड पेटेंट्स फाइल किए हैं। तो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है, बहुत सीखने मिला है। मैं कहूंगा कि मैं एक भला आदमी बन के उभरा हूँ इसमें, पिछले 10 साल की जर्नी में इसने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है, लोगों का दुख दर्द देखना सिखाया है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। तो हमारे सवाल तो खत्म हो गए सर, तो धन्यवाद आपके समय के लिए, और मैं अपने दर्शकों से भी धन्यवाद कहना धन्यवाद चाहूँगा सर। कि उन्होंने ये पॉडकास्ट देखा या सुना।